आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नूपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की सभी बड़ी खबरों का। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दुनिया भर के नेताओं ने फिको पर हुई इस गोलीबारी की निंदा करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अमित शाह और राजनाथ सिंह के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का पीओके को लेकर बयान सामने आया है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और वह अंततः भारत में ही वापस आएगा। वहाँ के लोग अब अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सेना पर राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से किया कांग्रेसी नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह। यूपीए ने भारत की आर्थिक विकास की संभावना को कर दिया था बर्बाद। वित्त मंत्री सीतारमन ने देश की इकोनॉमी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी को लगा बड़ा झटका। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लोग आपको वोट देंगे तो वह 2 जून को वापस जेल नहीं जाएंगे। देश में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और भाजपा के मध्य बयानबाजी का दौर भी देखा जा रहा है। वहीं इसी क्रम में कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर उच्च मुद्रा स्फीति से निपटने में असमर्थ होने का आरोप लगाया और कहा कि देश भर में हमारी बहनें उत्साह के साथ इंडिया अलायंस की सरकार बनाने के लिए तैयार है। जेडीएस के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा इस वर्ष अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि पोते और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे कई आरोपों के तहत जांच का सामना कर रहा हूं, जिसके कारण मैंने यह निर्णय लिया है। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी छलका देता है। देश के त्रुटिपूर्ण और गलत नक्शों के प्रकाशन के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सतर्क करते हुए कहा कि वह सिर्फ भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से तैयार देश के नक्शों का ही उपयोग करें। यूपी के लखनऊ में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि मोदी अपने ही बनाए नियम के अनुसार अगले वर्ष 17 सितंबर को जैसे 75 वर्ष के हो जाएंगे अमित शाह को पीएम बना देंगे। चुनाव जीतने के बाद 2 से 3 महीने में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। अमित शाह के पीएम बनने की राह में अब केवल योगी ही कांटा बचे हैं। बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादवों का वोट लेकर केवल अपने परिवार को राजनीति में बढ़ाते रहे। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में विभव कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि NCW ने विभव कुमार को कल राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा है। पंजाब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि किसान संगठन पंजाब के लोगों को गुमराह ना करे। हर मुद्दे पर राजनीति करने वाले किसान संगठनों को अपने सवालों के जवाब जगह जगह प्रदर्शन करने से नहीं मिलेंगे, जवाब संसद में ही मिलेंगे। इसलिए किसान संगठन चुनाव लड़े और तर्कों के साथ अपनी बात संसद में रखे। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार के लिए यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनने की हवा चल चुकी है। नई सरकार द्वारा किसान, युवा, महिला, मजदूर और व्यापारी सहित सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जाएंगी। उत्तराखंड के जंगलों की आग को रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कड़ी नाराजगी जाहिर की है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहते हुए हमें कष्ट हो रहा है कि जंगल की आग कंट्रोल करने के मामले में राज्य सरकार का रवैया उदासीन रहा है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने अदालत से 10 दिनों के लिए रिमांड की मांग की, लेकिन प्रभात कुमार शर्मा की विशेष अदालत ने 6 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति दी है, जहां वे 22 मई तक ईडी की रिमांड में ही रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार के आने के बाद यहां नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई के दौरान मिल रही अभूतपूर्व सफलताओं के लिए सरकार की पीठ थपथपाई है और कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद मात्र 4.5 महीने के अंदर 112 नक्सली मारे गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर दल बदलुओं पर तंज कसते हुए उन्हें डरे हुए मौके परस्तों की संज्ञा दी है।
जीतू ने इसके साथ दल बदलू नेताओं को आगाह भी किया है और कहा कि बीते 10 सालों में पार्टी छोड़कर जाने वाले ज्यादातर नेता गुमनामी के अंदर में गुम हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री एवं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की जनता स्थिर और निरंतर सरकार के साथ ही ईमानदार और दमदार प्रधानमंत्री चाहती है और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, महंगाई व आतंकवाद का बोलबाला रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और कहा कि अच्छा मतदान हुआ क्योंकि लोग गुस्से में। बता दें कि श्रीनगर लोकसभा सीट पर मतदान प्रतिशत बढ़ने पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताते हुए कहा था कि वोटिंग से लगता है कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला सही था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी के दो कैंडिडेट के फॉर्म में गड़बड़ी का उल्लेख करते हुए इन्हें रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की है, जहां बीजेपी के राज्य महासचिव जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कलकत्ता दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार माला रॉय के लाभ के पद पर होने को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और राज्य के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए महायुति से आगे रहेगा। उन्होंने एनडीए को मिलने वाली सीटों की संख्या भी बताई। राजस्थान में फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मामले में आखिरकार 45 दिन बाद विभागीय जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, जहां इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सरकार ने एसएमएस के अतिरिक्त अधीक्षक राजेंद्र बागवी को निलंबित कर दिया गया है। जबकि डॉक्टर राजीव बगहट्टा और डॉक्टर अचल शर्मा को 16 सीसीए का नोटिस जारी किया है। बिहार में अपराधियों का हौसला बुलंद, सरकारी स्कूल के अंदर घुसकर टीचर को मारा चाकू। बता दें कि पूरा मामला सौर बाजार थाना अंतर्गत सुहत पंचायत का है, जहां पुरानी रंजिश के तहत गांव के ही कुछ लोगों ने शिक्षक संजय राय पर स्कूल के अंदर घुसकर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद आसपास के क्लासरूम के शिक्षकों ने आनंद फानन में अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। वहीं मौके वारदात पर थाना अध्यक्ष सहित पुलिस प्रशासन पहुंच छानबीन में लग गई। वहीं थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार सिंह ने बताया है कि घटना में इस्तेमाल चाकू सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। डायबिटीज एक क्रॉनिक बीमारी है जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। भारत में बीते कुछ समय से इसके मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भारत दुनिया में डायबिटीज कैपिटल बन गया है। वहीं खान पान के अतिरिक्त कुछ ऐसे बीज भी हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिनमें शामिल है चिया सीड्स, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, तिल के बीज, मेथी दाना, जीरा और सरसों के बीज। कई अध्ययनों के मुताबिक इनके सेवन से शुगर लेवल कंट्रोल करने में काफी सहायता मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने निकाली 276 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jkbank.com पर 28 मई तक कर सकते हैं अप्लाई। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम को हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसे दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।